Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दावे, ऐलानात और यकीन दहानियां सब बेकार। कराची में खवातीन पर हमला करने वाला अब तक आजाद। सिंध हुकूमत और पुलिस सीसीटीवी फुटेज से भी मदद हासिल ना कर सकी। मुलजिम ने गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और गुलशन जमाल में 13 खवातीन पर हमला किया, लेकिन मुलजिम की शनाख्त हुई ना ही कोई सुराग लगा। जागो सिंध पुलिस, जागो सिंध हुकूमत, आवाम की दुहाइयां। बहुत गलत हो रहा है क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी लड़कियों से बात हुई है जिनकी फैमिली उन्हें यूनिवर्सिटी भी नहीं आने दे रही है। हमारे एरिया में तो बहुत ज्यादा दरखौफ है क्योंकि वो जरा सा सुनसान टाइप से आता है। मेरे पेरेंट्स काफी डिस्टर्ब है क्योंकि अब मतलब मैं ही हूँ एक लड़की, मतलब तो मतलब ऐसा डॉक्टर तो उनको काफी सुपर प्रॉब्लम होती है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजें या ना भेजें। कराची में चाकू के वार की कौमी असेंबली में भी गूंज। एमक्यूएम ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर दिया। बढ़ते वाकयात पर जामिया कराची में मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट पहनने पर पाबंदी भी आयद। चाकू से हमला करने वाले की गिरफ्तारी तक पाबंदी जारी रहेगी। वो जो एक छलावा जो है वो एक बेजरर और मासूम खवातीन को जो है वो जख्मी कर रहा है, उस हवाले में हमने एहतियातन ये स्टेप उठाया कि गेट्स के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कोई हेलमेट पहन के जो है वो दाखिल ना हो। आपने जो अस्करी क्यादत के साथ जंग का बेड़ा उठाया है, मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर आसिम हुसैन का लंदन से वापसी पर लीगियों पर वार। कहा नवाज शरीफ ने अस्करी क्यादत के साथ जंग का बेड़ा उठाया है, वो समझते हैं कि उन्हें पाकिस्तान का कोई हिस्सा मिल जाएगा। पाकिस्तान हमने बनाया और हम ही उसे बचाएंगे। जो लोग कहते थे डॉक्टर आसिम भाग गया, देख लें हम भागने वालों में से नहीं। ये रियासत का फर्ज है कि वो ये पॉलिसी बताए कि किसका कहां जिहाद वाजिब है और फर्ज है। ये किसी हर मोहल्ले में मस्जिद से फतवा जारी नहीं हो सकता। अगर ये जिहाद के फतवे हर मोहल्ले में और गांव में जारी होंगे तो हम तो एक मैदान जंग बन जाएंगे। मजहबी जज्बात पर सियासत करना घिनौना जुर्म है। जिहाद का ऐलान करना रियासत का हक है। सोशल मीडिया पर फतवे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कौमी असेंबली में पॉलिसी बयान। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में दूसरी बार मुलतवी। सुबह 11:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे भी मुलतवी। नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। जराए वजारत दाखिला। इदारों पर हमला आवर कौन हो रहा है? आवर मैं तो नहीं हो रहे। इदारे कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है, एक तीसरा सतून है, उस पर मुसलसल कंटेम्प्ट और हमले कहां से हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पर मुसलसल हमले कहां से हो रहे हैं? इदारों पर हमला आवर कौन हो रहा है? इदारों से टकराव और उलझाव की कैफियत कौन पैदा कर रहा है? पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मुखालफीन से सवाल। कहा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि खत्म नबूवत के मामले पर जांच की जाए। सिराजुल हक बोले हम भी इंतजार करेंगे कि हुक्मरान टोला इस मामले पर क्या करता है। लाहौर में मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। डेंगू मच्छर आया तो इमरान खान खुद पहाड़ों पर चले गए, वो झूठों के आईजी कहलाएंगे। वजीर आला पंजाब की कप्तान पर तनकीद। सियासी मुखालफीन को मिलकर काम करने का मशवरा भी दे दिया। कहा आओ मिलकर कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर बात। खुर्शीद शाह ने कहा कि वजीर आजम को पीटीआई और एमकेएम के नामों से भी आगाह कर दिया। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर कोई डेडलॉक नहीं, एक दो मुलाकात में किसी एक नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। शरीफ खानदान और इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंसेज। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। निगरान जज को जमा कराई गई रिपोर्ट में हसन हुसैन और कैप्टन सफदर के नाकाबिले जमानत, मरियम नवाज के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी मुंसलिक।
इमरान खान ने जमायमा को कर्ज अदा करने की दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जमायमा को 5,62,000 पाउंड की अदायगी की दस्तावेजात भी शामिल। नियाजी सर्विसेज से जमायमा को कर्ज की अदायगी जाहिर है। अदायगी के बाद नियाजी सर्विसेज के अकाउंट में 1,00,000 पाउंड की रकम बाकी रह गई। बलूचिस्तान के शहर गंधावा में मारूफ बुजुर्ग सैयद रखेल शाह की मजार पर खुदकुश धमाके में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। इलाके में फिजा सोगवार। वाके में 20 अफराद शहीद और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। अमरीका ने अगर अफगानिस्तान में सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल किया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान ने अकेले दहशतगर्दों का खात्मा किया। ख्वाजा आसिफ की वॉशिंगटन में गुफ्तगू। कहा अफगान तालिबान के साथ मुजाकरात की एक और कोशिश 16 अक्टूबर को मस्कत में चार फरीकी मुजाकरात की सूरत में होगी। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से निमटने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की जरूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है जिसे जल्द खत्म करेंगे। अक्वामे मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोधी का जनरल असेंबली के मुबाहिसे में खिताब।